नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके खबर नाउ। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला डोडा में ICDS भगवानी आंगनवाड़ी सेंटर बनी कुड़धार में पहुंचकर किया निरीक्षण। जिला डोडा ICDS प्रोजेक्ट भगवा के आंगनबाड़ी सेंटर बनील कुड़धार में कई वर्षों से हेल्पर की पोस्ट खाली होने से वहां की जनता एवं आंगनबाड़ी वर्कर राज देवी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान बनील कुड़धार की जनता ने बताया कि बनील आंगनबाड़ी सेंटर में खाली पड़ी पोस्ट को जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि लोगों को आंगनबाड़ी वर्कर एवं आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को आसानी हो। जनता ने मांग करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेंटरों में बच्चों एवं वर्कर के बैठने के लिए टाट कुर्सियों की पूरी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसी परेशानी के बारे में जब संवाददाता हरदेव मांत ने CDPO भगवा श्री किशोर कुमार से फोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्दी खाली पड़ी पोस्ट को पूरा किया जाएगा। अपने उत्तर में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही पैसा आएगा तो सभी सेंटरों के लिए बैठने की सुविधा का सारा सामान भेजा जाएगा। 5 साल से हमको हेल्पर नहीं है इधर। अच्छा, कोई मटेरियल नहीं है इधर। को खान आता था वो भी नहीं है, दूध आता था वो भी नहीं है इधर। दूध भी नहीं हमें देखा इधर, सिर्फ बिस्कुट आते हैं ये छोले वगैरह तो बस, और कोई चीज़ नहीं आती है इधर। आंगनवाड़ी का बाकी तो काम चल रहा है, ठीक ही चल रहा है इधर। काम में कोई फर्क नहीं है और सेंटर में हेल्पर नहीं है, 5-6 साल से हेल्पर नहीं है। आपने सरपंच से वहाँ के यहाँ के DDC मेंबर को नहीं बताया? वो भी आए हैं इधर, वो भी आए थे सेंटर में। बोला सबको, हमने मार सुनी किसी दिन, बोला सबको है, बोला सबको, माना कुछ नहीं आया भी नहीं। बाकी सेंटर चल रहा है ठीक ढंग से, चल रहा है हमारा ठीक ठाक से। चाहे वर्कर को हेल्पर नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसको। जी जी, बाकी काम ठीक है, सब चलता है। अभी आंगनवाड़ी सेंटर बनील कुड़धार पंचायत में हूँ, तहसील कास्तीगढ़, डिस्ट्रिक्ट डोडा। यहाँ पर कुछ वर्षों से, यानी 5-6 वर्षों से यहाँ पर हेल्पर नहीं है आंगनवाड़ी सेंटर में, जिससे कि यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो वर्कर हैं उन पर काफ़ी वर्कलोड है, यानी काफ़ी काम रहता है। कभी कभार सेंटर को बंद करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कभी मीटिंग में जाना पड़ता है। इसके अलावा और भी काम काज के सिस्टम से ऑफिशियली बहुत सारे काम होते हैं। आज हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस परेशानी पर जामिया तक ये बात क्यों नहीं लाई और क्या वजह रही है कि यहाँ इस आंगनवाड़ी सेंटर में हेल्पर ही नहीं है। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।